नवरात्रि शुरू होने से पहले ही शहरवासियों को महंगाई का तोहफा मिल गया है। सब्जी मंडी और बाजार में फलों के दामों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो इस बार के नवरात्रि में लोगों की जेबों पर काफी असर करेगी। फ्रूट्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई है, क्योंकि मांग के मुताबिक सप्लाई सब्जी मंडी और बाजार में नहीं पहुंच रही। मौजूदा समय में केला 90 रुपए, सेब 300 रुपए, नारियल 50 रुपए, अमरूद 120 रुपए, संतरा 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। दामों में बढ़ोतरी की वजह से लोगों ने अपने पसंदीदा फल खाने कम कर दिए हैं। अगर कोई बाजार जाकर फ्रूट ले भी रहा है तो दाम सुनकर कम मात्रा में ही खरीदारी कर रहा है। फल विक्रेताओं का कहना है कि करीब एक महीने तक फलों के दामों में हुई बढ़ोतरी में कटौती की कोई संभावना नहीं है। इस वक्त मैम रेट जो, जैसे केला ले लीजिए आप, अगर छोटे साइज में केला आएगा तो 80 रुपए, और बड़े साइज में केला अगर आ जाए तो वो 90 भी बेचना पड़ता है, 100 भी बेचना पड़ता है कभी कभार। और जैसे एप्पल का जो फोन का एप्पल आ रहा है इस वक्त, उसकी प्राइस इस वक्त है 300-290 के करीब। और जो कश्मीर का एप्पल इस वक्त आ रहा है 10 किलो का डब्बा, उसकी कीमत है 200 और 180 के करीब दे रहे हैं हम किलो। ऑफ सीजन चला हुआ ना आजकल, क्योंकि फसल तो है नहीं एप्पल की। अब जितना भी एप्पल आ रहा है फोन से आ रहा है और स्टोर से आ रहा है, इसलिए तेजी होती है फ्रूट्स में। हाँ बिल्कुल, पब्लिक में जिसने खाना उसने तो खरीदना ही है, उनको पता है कि इस सीजन में ऐसे नौबत आई जाती है, ठीक है ना जी। तो रेट बढ़ते चढ़ते रहते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं। इस वक्त ऑफ सीजन चला हुआ है, एप्पल का फसल तो है नहीं है, लेकिन जो भी एप्पल बाहर से आ रहा है, जो स्टोर से आ रहा है, बस वो ही बिक रहा है मार्केट में। हाँ जी, अभी तक कम होने के चांस कम ही लग रही है मैम, बढ़ेगा जरूर। जैसे त्योहारों के दिन आगे आ रहे हैं, नराते आ रहे हैं, और तेजी आएगी इसमें, 10-20-50 रुपए बढ़ेंगे। और जब सीजन एप्पल का शुरू हो जाएगा तब जाके थोड़ी सी नरमी आएगी मार्केट। अगर केले की बात करें, हाँ जी, केला के जो रेट है पहले कितने थे? पहले था मैम 70 और 80 चलता था, वो काफी समय पहले, अब नहीं। और सेब का पहले कितना था? पहले प्राइस था जब सीधी फसल आ रही थी 100 रुपए 120 रुपए 140 रुपए किलो था। अमरूद हो गया, संतरा हो गया, या अन्य जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है जैसे नारियल हो गया, हाँ जी, उनमें कितना कितनी बढ़ोतरी हुई है? नारियल का वो ही सेम रेट है जो चलता है, 50 रुपए जी। जी बाकी नहीं, नारियल तो करीब मैम वही रेट है जो चला हुआ है 50 रुपए जी। बाकी केले में पीछे से जब तेजी आ जाती है तो फिर आगे मार्केट में थोड़ा 5-10 रुपए का फर्क आ जाता है। मंडी में किस तरह का मिल रहा है इस टाइम? 650 रुपए, कभी 750 रुपया क्रेट, कभी 80 पीस निकलते हैं, कभी 85 निकलते हैं, कभी 90 निकलते हैं। अगर छोटे में आ जाए, छोटे साइज में आ जाए तो 100 भी निकल पड़ता है कई बार। वहीं स्थानीय निवासियों ने नवरात्रि के दिनों में फलों और सब्जियों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि कोई भी त्योहारी सीजन आता है तो एकदम से फलों और सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे घर का सारा बजट गड़बड़ा जाता है। बावजूद इसके मजबूरी में अधिक दामों में फल और सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। बात ये है कि जैसे त्योहार हो, जैसे जन्माष्टमी हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे नवरात्र हो गई, उसमें तो जैसे रेट बढ़ता और करता रहता है। और ये है कि जैसे आम तो वैसे रेट है ही ज़्यादा, जैसे गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं। ये कि आम लोगों के लिए मतलब समस्या है, जैसे मंदिर में चढ़ाया जाता है फ्रूट, चाहे कहीं भी लेकर जाओ आप, अगर कहीं भी जाती हो, कहीं भी जाओगे तब भी फ्रूट ही चाहिए। तो इसलिए ये है कि फ्रूट तो है महंगा ही, पर ये है कि आगे आगे महंगा ही हो रहा है, तो आम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है कि जैसे फ्रूट लेना। और फ्रूट की सब्जियां भी कम से कम ज़्यादा ही महंगी है, कहीं जगह देखे जाए तो सस्ती होती है, कहीं जगह देखे जाए तो अलग रेट लगाया होता है। ऐसा नहीं है कि एक जैसा रेट लगाया होता है, अलग अलग रेट लगाए होते हैं। जैसे फ्रूट कई जगह सस्ता होता है, कई जगह महंगा होता है। अब क्या बोल सकते हैं, लेना तो होता ही है, फिर भी खाना तो होता ही है। गर्मियों में तो ज़्यादा चलता है फ्रूट, सर्दियों में कम चलता है, गर्मियों में ज़्यादा चलता है। और आजकल बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी को फ्रूट चाहिए। रात्रि आ रहे तो थोड़े से फ्रूट्स के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे अंगूर बढ़ गया है, सेब बढ़ गए हैं, सेब महंगा चल रहा है, पपीता महंगा हो चुका है, तो कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। बट नवरात्रि जैसे पास आएंगे तो फ्रूट्स के दाम बढ़ जाएंगे, आलू महंगा हो जाएगा नवरात्रों में खाया जाता है, और फ्रूट भी महंगे हो जाएंगे जो जो नवरात्रों में खाए जाते हैं। जैसे लोग पहले किलो अंगूर लेते थे, आजकल आधा किलो ले रहे हैं, तो आधा किलो लेते वो पाइया ले रहे हैं। कुछ भी सामानों का थोड़ा कम हो गया मार्केट में महंगाई की वजह से। बता दें, 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में सबसे ज्यादा केला, सेब और नारियल इस्तेमाल किया जाता है। आगामी 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ऐसे में इन दिनों फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि केला भी 100 रुपए से नीचे है, लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही दामों में फिर से उछाल आएगा। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए
नवरात्रि का पर्व बहुत मायने रखता है। ऐसे में फलों के दाम ज्यादा होने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।